हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म समझने के लिए थोड़ा आप पेशेंस रखें। ये पूरी जो सीरीज़ है 10 वीडियोस की, इसमें 2 घंटे का टोटल टाइम है सारी सीरीज़ देखने में आपको लगेगा शायद, और मैं गारंटीड कहता हूँ उसके बाद आपको पूरा लैपलेस ट्रांसफॉर्म समझ आ जाएगा। सो पेशेंटली देखें जो भी मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से है मैं सीरियल वाइज आपके टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज ही सारा कराऊंगा, तो आप पेशेंटली देखें। सो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जिन वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ बाकी के सीरीज़ में ही पूरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ये आपकी यूनिट 2 है, उनको ज़रूर देखें। अब लैपलेस ट्रांसफॉर्म सबसे पहले हम यूज़ क्यों करते हैं? लैपलेस ट्रांसफॉर्म का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हमें जो रियल वेरिएबल है, मतलब एक फंक्शन है मान लीजिए वो टाइम डोमेन में है, तो टाइम से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम करते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब जैसे आपकी रहती है ना जो डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी रहती है, या फिर इंटीग्रल इक्वेशन आपकी रहती है, तो इनको अगर मैं क्या करूं, कन्वर्ट कर दूं लैपलेस ट्रांसफॉर्म से। अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगा दूं तो ये ना सीधी सीधी अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएंगी और इनको मेरे को सॉल्व करना इजी है, इजी टू सॉल्व। सो इजी है सॉल्व करने, तो इसलिए ये हमारा मेन एक मोटिव रहता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज करने का। करना कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम से एस डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन जनरली बोलते हैं इसको, हम चेंज करते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म में। अब लैपलेस ट्रांसफॉर्म की एग्जिस्टेंस की कंडीशन भी आती है कि एग्जिस्टेंस की कंडीशन, ऐसा कोई खास इसमें कंडीशंस रहती नहीं है, ठीक है, बट ये है कि एफ टी अगर मेरा पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है इन इंटरवल 0 to infinity एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, और अगर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है तो बड़े इजीली मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, ठीक है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी देन एग्जिस्ट। तो आपसे कोई पूछेगा नहीं वैसे एग्जिस्टेंस कंडीशंस, ये 2 कंडीशंस आपकी एग्जिस्टेंस की रहती हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन, एक प्योर किस तरह की डिफाइन है और करते क्या हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म में। सो ये मेरी डेफिनेशन है, लेट एफ टी बी अ वेल डिफाइंड फंक्शन ऑफ टी। मान लीजिए मेरा एक फंक्शन है एफ टी, तो अगर मैं उसका डेफिनेट इंटीग्रल निकालूं e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये अगर चीज निकालूं और ये चीज अगर एग्जिस्ट करती है, ये फैक्टर अगर एग्जिस्ट करता है तो ये होगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म। मतलब अगर मुझे कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए कोई भी फंक्शन मुझे दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसका मुझे लैपलेस निकालना है, तो मुझे करना कुछ नहीं है, और ये जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म मतलब एफ एस, ये जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको डिनोट कर सकता हूँ एफ एस से, या फिर कहीं कहीं बुक्स में आपको ऐसा भी छोटा एफ इसके ऊपर एक डैश और एस ऐसे भी दिखेगा, बट जनरली एफ एस ऐसे डिनोट करते हैं। ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको वही चीज को एफ टी बदलता रहेगा आपका क्वेश्चन के साथ, बाकी सेम रहेगा ये फैक्टर कि भैया 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, और मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर का निकालो एक्स स्क्वायर डी टी, इस तरह से लैपलेस होता है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो लैपलेस का। अब मैं आपको कुछ बेसिक फंक्शंस, जो बहुत बेसिक फंक्शंस हैं, उनके लैपलेस ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा, और ये जो फंक्शंस हैं इनके लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको प्रूफ्स भी याद रखने हैं और फॉर्मूले तो याद रखने ही है, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कोई भी। तो इनके फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं और प्रूफ भी आपको याद करने हैं। सो हम देखते हैं क्या क्या है।
सो स्टूडेंट्स, ये आपके फॉर्मूलाज हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर 80 इज 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये सबसे पहले आपके सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं और ये आपको बायहार्ट होने चाहिए, याद होने चाहिए। वैसे अगर आपको नहीं भी याद हो रहे हैं तो आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे लगातार 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 तो थोड़े थोड़े आपको याद होने चालू हो जाएंगे। कॉस 80 एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन 80 का ए इधर आ जाता है बाकी एस की जगह, कॉस हाइपरबोलिक 80 एस स्क्वायर माइनस, यहां पर बस नेगेटिव आ जाता है क्योंकि इधर पॉजिटिव था उसकी जगह। लैपलेस ऑफ टी टू द पावर एन, मान लीजिए टी स्क्वायर आ गया, टी क्यूब आ गया कहीं सामने, तो उसका फॉर्मूला यही है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस एन प्लस वन। मतलब अगर टी स्क्वायर है तो टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस क्यूब, तो ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर का हो जाएगा। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे और लिख देंगे। बट आपके कभी कभार दो मार्क में क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये इसको प्रूव करो, तो ये प्रूव करना आपके लिए बहुत आसान है। तो मैं आपको ये जो फॉर्मूलेज हैं, मान लीजिए वो पूछ ले कि साइन 80 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है बताओ, कॉस 80 का क्या होता है, तो वहां आपको पूरा प्रूव करके, फॉर्मूला आपको वैसे याद करना है बट आपको प्रूफ भी थोड़ा सा आना चाहिए कि किस तरह निकालना है। तो ये आपके बेसिक प्रूफ्स भी मैं करा देता हूँ अभी। सो स्टूडेंट्स, मेरा ये फंक्शन है, लैपलेस मुझे निकालना है एफ टी का जो कि है ई टू द पावर 80। ये मेरा पहला फॉर्मूला है, इसका आपको अगर पता होगा तो 1 एस माइनस ए ये फॉर्मूला आएगा, लैपलेस होता है इसका दिस। ये मुझे प्रूव करना है तो मैं देख लेता हूँ लैपलेस ऑफ 80। अब मेरा जो लैपलेस निकालने का तरीका था इन्फिनिटी से तक इंटीग्रेट करना ई टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी। अब एफ टी मतलब फंक्शन, फंक्शन कौन सा है, ई रेस टू द पावर 80 डाल दिया, 0 से इन्फिनिटी इस तरह से ले सकता हूं इसको, ठीक है इसमें से। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं इस तरह से ले सकता हूं। सो अब ये आ गया, इसको मैं एक बार इंटीग्रेट कर लेता हूं, इंटीग्रेट करूंगा तो आएगा e टू द पावर माइनस एस माइनस ए पी और माइनस एस माइनस। अब पहले t में इन्फिनिटी डाला, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, पहले तो इसको साइड में रख देता हूँ एस माइनस ए को, तो 0 हो गया। देन मैं t को 0 रख लूँ तो e टू द पावर 0 दैट विल बी 1। अब यहाँ पर ये आया है तो मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 1 एस माइनस ए, तो मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज दिस। ये मैंने प्रूव कर दिया अपना पहला जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, इसी तरह आगे का भी देख लेता हूँ मैं। सो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है एफ टी साइन 80 और कॉस टी के लिए, फिर इसका लैपलेस जो भी आता था मेरा। इसको करने के लिए मैं जानता हूँ सबसे पहले कि मेरे को यही लट लेना पड़ेगा, मेरी फंक्शन अगर ये है ई रेस टू द पावर ए आई टी, इसका मतलब ये हो सकता है कॉस 80 प्लस आई साइन 80, ये आपको आता होगा ठीक है। अब लैपलेस अगर कर दूं इस फंक्शन का तो वो आएगा 1 एस माइनस ए आई, ये आप पीछे करके आए हैं, मैंने आपको जो बताया था ई टू द पावर 80 का होता है 1 माइनस एस माइनस ए, यहां पर ए के साथ आई भी है तो ये आ गया मेरी फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके। अगर मैं इसको थोड़ा एस प्लस ए आई एस प्लस ए आई कर दूं तो ये आ जाएगा एस प्लस ए आई, यहाँ आएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई स्क्वायर, आई स्क्वायर नेगेटिव 1 होता है तो नेगेटिव 1 होता है तो मैं पॉजिटिव करके ये हो गया। तो मतलब लैपलेस ऑफ
कॉस ए टी प्लस लैपलेस ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू एस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस का ये बन गया, साइन का ये बन गया, जो मैंने आपको पहले बताया था। इस तरह से आपका होगा, हाइपरबोलिक भी आपका सिमिलर तरीके से हो जाएगा, और टीएन भी आप इसी मेथड से इजीली निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस टीएन के लिए भी टीएन ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी करना है और आपका आंसर आ जाएगा वही जो कि मैंने आपको बताया था। नाउ आपके फॉर्मूलेस खत्म हो गए। इसके बाद शिफ्टिंग थ्योरम से भी आपके कुछ फॉर्मूलेस बनते हैं। मान लीजिए लैपलेस ऑफ ई टू द पावर ए टी टी एन, इनको मिला के जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, एन प्लस वन एस माइनस ए एन प्लस वन। तो शिफ्टिंग थ्योरम आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद और आपको समझ आएगा कि ये सब क्या हो रहा है। पर ये फॉर्मूले भी आपको अगर बुक्स में दिखेंगे तो आपको ये भी याद करने होंगे, हालांकि आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। टी एन है तो टी एन जैसा फॉर्मूला लग रहा है, साथ में ई की पावर ए टी है तो उसका भी फॉर्मूला साथ में लग रहा है, तो ये आप समझ जाएंगे। आपको उस तरह से याद करने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले याद कीजिए बेसिक, उसके बाद आगे के याद कीजिए, और उसके बाद आप अगला वीडियो देखिए। वो याद करने के बाद फिर प्रैक्टिस करिए उन सम्स को। अगले वीडियो में मैं आपको सम कराऊंगा बेसिक फॉर्मूलेस पे ही, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखें। पर तब जब थोड़ा सा फॉर्मूला आपके माइंड में याद हो जाए थोड़े से याद करने के बाद, फिर सीखें और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें। थैंक यू।